हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्वेता और आज बहुत टाइम के बाद मैं एक सारी ड्रिपिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। रिसेंटली मैंने अभी पिंटरेस्ट पे ये वाला साड़ी लुक देखा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाला साड़ी लुक है। और ये तो वैसे एक प्री ड्रेप्ड साड़ी है, मतलब प्री ड्रेप्ड ड्रेस टाइप है, बट मैंने इसको साड़ी से क्रिएट करने का ट्राई किया है। तो चलो देखते हैं सेम लुक आता है या नहीं आता है और आप लोगों को कैसा लगेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आगे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो भी ज़रूर कर लेना। तो चलो फटाफट से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रेप करने से पहले मैंने अपने हील्स पहन लिए हैं। शेप वेयर की जगह मैंने पेंसिल स्कर्ट वेयर किया है और एक शर्ट को मैंने क्रॉप करके ब्लाउज की जगह वेयर किया है। और ये है मेरी साड़ी, जो नॉर्मल साड़ी की लेंथ होती है 5.5 मीटर, उतनी ही है। तो इसमें हमें सबसे पहले अपने वेस्ट के अराउंड, जो हम फर्स्ट राउंड लेते हैं वैसे ही एक राउंड लेना है और उसको मेजर करना है कि हमारे राउंड वेस्ट पे कितना फैब्रिक है जो राउंड ड्रेप होगा, उतना आपको मेजर करना है। और उससे 2 to 3 inch आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और अंदर की साइड आपको फोल्ड करना है, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो जो आपका साड़ी का फ्रंट पार्ट होगा, जो हम अंदर टक इन करते हैं, वो आपका अंदर की साइड चला जाएगा। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, जैसा कि आप इसमें वीडियो में देख रहे हैं। तो जो आपका फ्रंट पार्ट होगा टक इन करने वाला, वो आपका ऐसे दो पार्ट्स में होगा, मतलब आपका फोल्डेड पार्ट होगा। अब इसके बाद आपको इसको टक करना स्टार्ट करना है और इसको हमें टक नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे रफली एक कॉर्नर से टक कर रही हूँ और उसके बाद जैसे हम नॉर्मल साड़ी में राउंड लेते हैं, वैसे ही मैं एक यहाँ पे राउंड ले रही हूँ। और राउंड कंप्लीट होने के बाद आपको दोनों पार्ट्स को पकड़ना है, जो हमने मेजर किए थे, डबल किए थे, वो दोनों पार्ट्स को अच्छे से पकड़ना है और दोनों को ओवरलैप करना है टाइटली अपने वेस्ट पे। इसको सेट करना है और पिन से इसको सेटअप करना है, टक इन नहीं करना है, क्योंकि टक इन करने से जो हमें साड़ी का लुक चाहिए वो लुक नहीं आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर पिन से सेट कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इसको अंदर से पिन से सेट किया है और ये हमारा सेट हो गया। और ये आपको एक फ्रंट स्लिट वाला स्कर्ट का लुक देगा, जैसा फ्रंट स्लिट वाला स्कर्ट होता है। उसके बाद ये फ्रंट वाला पोर्शन पकड़ना है, जो फ्रंट से हमारा साड़ी निकल रहा है, और ऐसे साइड पे आपको एक मेजर लेना है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, दूर से आपको समझ नहीं आएगा। इस एरिया तक आपको साड़ी लेना है और उसके आगे से आपको अपनी प्लीट्स बनानी स्टार्ट करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक साइड तक मैंने फैब्रिक को छोड़ा है और आगे से मैंने प्लीट्स बनाना स्टार्ट किया है। तो अराउंड 4 to 5 या 6, मैक्सिमम 6 प्लीट्स बनेगी नॉर्मल साइज की, ना ज्यादा बड़ी और ना ज्यादा छोटी। उससे ज्यादा प्लीट्स आप बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि आपका पल्लू का फैब्रिक कम रह जाएगा। कम बेशक आप बना सकते हैं, ज्यादा ना बनाएं। तो यहाँ पे मेरी प्लीट्स कंप्लीट हो गई है और उसके बाद जो लास्ट वाली प्लीट है उसको मैं पीछे करके छोड़ दूंगी, उसको फ्रंट में नहीं पकड़ना है, उसको बैक साइड में ही पकड़ के नीचे की साइड पे छोड़ देना है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने छोड़ दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सारी प्लीट्स को अच्छे से सेट कर लूंगी, कोई निकल ना जाए, इसलिए अच्छे से पकड़ के, और उसको बहुत हल्का सा अंदर में टक इन करूंगी, क्योंकि मेरी साड़ी की लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे जितनी लेंथ के टक होगी उतना मैं उसको टक करूँ। अगर आपकी ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा टक इन कर लीजिएगा। प्लीट्स को टक इन करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का लुक आएगा। और उसके बाद आपको प्लीट्स को सारा फैलाना है, आपकी जितनी भी प्लीट्स है वो सारी अलग से एक एक प्लीट विजिबल होनी चाहिए, जैसा कि हम साड़ी में नॉर्मली नहीं करते हैं, बट इसमें हमें अपनी प्लीट्स को इस तरीके से फैलाना है कि आपकी एक एक प्लीट्स विजिबल होगी। आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आप अच्छे से बहुत केयरफुली करें, ऐसा ना हो कि प्लीट्स निकल जाए। और मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि ये प्लीट्स विजिबल है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, सारी प्लीट्स अलग अलग से विजिबल हो रही है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, मतलब ओवरलैप नहीं कर रही है, अलग से विजिबल हो रही है। उसके बाद जो हमारा ये लेफ्ट ओवर फैब्रिक है, जो मैंने प्लीट्स के नीचे ऐसे ही छोड़ दिया था, इसको हमें लेना है और इसकी हमें बनानी है प्लीट्स, जैसे हम अपनी नॉर्मल साड़ी में पल्लू की प्लीट्स बनाते हैं। लेफ्ट साइड से हमें प्लीट्स बनाना स्टार्ट करना है और नॉर्मल से लेके आप जितना छोटा आपको चाहिए उतनी प्लीट्स आप बना सकते हैं, बट बहुत बड़े साइज की प्लीट्स हमें इसमें नहीं चाहिए। जितना आप छोटी प्लीट्स बनाएंगे उतना ही आपके जो सामने जो एक काउल क्रिएट होगा, जिसमें लेयर्स क्रिएट होंगी, उतनी ही लेयर्स क्रिएट होंगी। अगर आप बड़ी बनाएंगे तो प्लीट्स कम बनेगी, तो वो काउल इतना नहीं आएगा। पल्लू के प्लीट्स बनाने के बाद आपको पल्लू को जैसे हम सेट करते हैं उसकी प्लीट्स को, उस तरीके से मैं यहाँ पे सारी प्लीट्स को सेट कर रही हूँ। और दो पार्ट्स में होता है, इसमें भी अगेन दो पार्ट्स में हो रहा है, मैं जर्क कर रही हूँ ताकि सारी प्लीट्स फॉर्म हो जाए। और सारी प्लीट्स ऐसे होनी चाहिए कि कोई भी अंदर बाहर बिल्कुल भी एक ना निकले, बिल्कुल सारी अपने प्लेस पर रहें। और सारी प्लीट्स को सेट करने के बाद आपको इसको अपने शोल्डर पर सेट कर लेना है, जैसे हम अपने नॉर्मल
पल्लू को करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने पल्लू को सेट कर लिया है और आपको क्या करना है उसके बाद, नीचे से आप देख सकते हैं काउल बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है, बट ये वाला पार्ट है जो बिल्कुल स्ट्रेच जा रहा है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आपकी जितनी भी प्लीट्स है ऊपर से आपको आपकी सारी प्लीट्स को पकड़ लेना है और जो नीचे वाली पार्ट है, नीचे वाली प्लीट है उसको ऐसे खींच देना है ताकि वो लूज हो जाए और एक काउल बन जाए। ये प्रोसेस आपको बहुत केयरफुली करना होगा, अगर आप ऊपर की प्लीट्स नहीं पकड़ेंगे तो आपकी सारी प्लीट्स नीचे खींच जाएगी। और ये करने के बाद आपको जो आपकी प्लीट्स है वो शोल्डर पे आपको अपने ब्लाउज से, टॉप से, जो भी आपने वेयर किया है उससे टक इन कर देना है, सो दैट आपकी प्लीट्स कहीं भी इधर उधर मूव ना हो और एक प्लेस पे सेट हो जाए। तो इस तरीके से करने के बाद आपको जो ऊपर साड़ी का प्लीट्स का फैब्रिक है, पल्लू का फैब्रिक है, वो साइड कर देना है। और जो नीचे हमने सबसे पहले एक राउंड लिया था साड़ी का, मैं आपको ये क्लियरली दिखा रही हूँ, जो पहले टक इन किया था वो पकड़ना है और आपके नीचे जाके जहाँ भी वो एक दूसरे से मैच हो रहा है, ज़बरदस्ती मैच नहीं करना है, जिस भी एरिया पर मैच हो रहा है वहाँ पर मैच करना है और स्कर्ट के नीचे से लेकर उसको स्कर्ट के साथ पकड़ना है और नीचे से उसको पिन से टक इन कर देना है, सो दैट वो एक जगह पे सेट हो जाए और आपकी लेग्स जो है वो ऊपर तक ओपन ना हो, सिर्फ एक एरिया तक ओपन होगी जहाँ तक वो आपकी विजिबल होगी। अब ये करने के बाद वैसे तो हमारी सारी ड्रेपिंग टोटली रेडी है, बट अगर आपने जो ये काउल लूज़ किया था, अगर ये ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है तो आप एक पिन लेके इसको अपनी साड़ी से अंदर की साइड इसको सेट कर दे ताकि ये बाहर की साइड ना निकले, क्योंकि हमें इसमें एक ऐसा लुक चाहिए कि आपकी प्लीट्स बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, हम जैसे साड़ी में साइड से सेट कर देते हैं वो चीज़ इसमें नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पिन से अंदर से टक इन कर दिया है ताकि ये सारी प्लीट्स के साथ ही आ जाए, अलग से बाहर ना निकले। तो यहाँ पे हमारी सारी ड्रेपिंग होती है रेडी। और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने जो पिंटरेस्ट स्टाइल आपको दिखाया था मैं उससे मैच कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ। मैं साइड में फ़ोटो एक बार फिर लगा रही हूँ, आप देखना कि ये सेम स्टाइल है या नहीं है। वो एक प्री ड्रेप्ड है, वो कटिंग करके उसको सेट किया गया है और ये मैंने साड़ी से ड्रेप किया है, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मैंने जस्टिस किया है या नहीं किया है। और ये लुक आपको कैसा लगा है मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आगे आप क्या देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। एंड अगर आपको ये स्टाइल पसंद आता है, आप इसको रिक्रिएट कर रहे हैं, तो आप उसकी पिक्चर्स भी मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर सेंड करिएगा, मैं ज़रूर अपनी स्टोरी पे शेयर करूँगी। एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड गाइस प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, करिए, लाइक आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।